सन 1666 में मुगलों में सबसे कुख्यात शासक औरंगजेब का भारत पर आधिपत्य था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर अत्याचारों की समस्त सीमाएं लांघ दी थी। औरंगजेब के दो ही लक्ष्य थे, साम्राज्य विस्तार और लोगों का बड़ी से बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन। इसी उद्देश्य से उसने हिंदुओं के दमन के लिए अनेक नीतियां बनाई जिनका कठोरता से पालन करवाया जाने लगा। वो हिंदुओं से जजिया कर बड़े ही अपमानजनक रीति से उगाहने लगा। होली दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए। यहाँ तक कि हिंदुओं के विवाह जैसे समारोहों पर भी अनेक रोकें लगा दी गईं। इन सभी दमनकारी नीतियों से औरंगजेब ये संदेश दे रहा था कि या तो मुसलमान बन जाओ या फिर अपमान और शोषण का जीवन चुपचाप जीते रहो। ऐसे निराशा एवं संकट के काल में औरंगजेब के दमन को चुनौती देने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नया नायक प्रकट हुआ, गोकुल सिंह जाट। सिंसिनी ग्राम में जन्मा गोकुल महान राजा सूरजमल का पूर्वज और तिलपत गांव का जमींदार था। उसने औरंगजेब की क्रूर, अपमानजनक और हिंदू विरोधी नीतियों से प्रतिकार लेने हेतु अतरौली में एक बैठक की। निर्णय हुआ कि सभी लोग मुगलों को मालगुजारी देना समाप्त कर दें। मुगलों के लिए एक साधारण से हिंदू जमींदार का ऐसा विद्रोह असहनीय था। इस विद्रोह को निर्ममता से कुचलने के लिए औरंगजेब ने एक शक्तिशाली सेना भेजी। सेना को आता देख गोकुल सिंह अपने साथियों को मथुरा के निकट सहोरा गांव में एकजुट करने लगे। हिंदुओं के इस प्रयास की सूचना शीघ्र ही मुगलों के फौजदार अब्दुल नबी तक पहुंच गए। उसने तुरंत गोकुल सिंह पर आक्रमण कर दिया। उसका उद्देश्य जल्द से जल्द हिंदू विद्रोह को दबाकर बादशाह औरंगजेब को प्रसन्न करने का था। 12 मई 1669 को हुए संघर्ष में गोकुल सेना ने इस प्रशिक्षित मुगलिया सेना को मार गिराया। उनका सेनापति अब्दुल नबी भी हताहत हुआ। अब्दुल नबी की हार मुगल दरबार की हार थी, औरंगजेब की हार थी। औरंगजेब इसे भला कैसे पचा सकता था। आनन फानन में औरंगजेब ने शफ शिकन खान को आगरा का नया फौजदार नियुक्त किया। इसी बीच गोकुल सेना ने निकटवर्ती सादाबाद को मुगलों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। गोकुल सिंह की बढ़ती शक्ति से भय खाकर शफ शिकन खान ने उसे एक संधि पत्र भेजा कि यदि वो सादाबाद वापस कर दे तो उन्हें क्षमा किया जा सकता है। गोकुल सिंह ने ऐसा अपमानजनक संधि प्रस्ताव ठुकरा दिया और प्रत्युत्तर में संदेश भिजवाया कि क्षमा तो वास्तव में औरंगजेब को मांगनी चाहिए। इस बात से आग बबूला हुए औरंगजेब ने अपने अति निकटस्थ हसन अली खां को गोकुल सिंह का सामना करने के लिए नियुक्त किया। महीनों चलने वाले इस युद्ध में गोकुला की छोटी सी सेना ने मुगलों की विशाल प्रशिक्षित और आधुनिक आयुधों से लैस सेना के नाक में दम कर दिया। जनवरी 1670 में यह युद्ध अपनी परिणति पर पहुंचा। 3 दिन तक भीषण युद्ध चलता रहा। गोकुल सिंह ने मुगलों को भारी क्षति पहुंचाई। फिर मुगलों ने भयंकर गोलाबारी से किले की दीवार गिरा, चारों ओर से किले को घेर लिया। गोकुला के किसान सैनिक लंबे अरसे तक धीरता पूर्वक डटकर शौर्य प्रदर्शित करते हुए लड़ते रहे। जब वे प्रतिरोध के लायक नहीं रहे तब वे अपने प्राणों को ताक पर रखकर मुगलों पर टूट पड़े। असंख्य मुगल मारे गए किंतु बेहतर संख्या के कारण उनकी जीत हुई। गोकुला और उनके काका को बंदी बनाकर आगरा लाया गया। उनके सामने प्रस्ताव रखा गया, इस्लाम धारण करें या परिणाम भुगतने को तैयार रहें। गोकुल जाट ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब औरंगजेब के आदेश से आगरा की कोतवाली के सामने उनकी बोटी बोटी काटकर फेंक दी गई। किंतु गोकुल सिंह जाट का रक्त व्यर्थ नहीं बहा। उनके कर्तव्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के असंख्य कृषकों के हृदय में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की भावना को अंकुरित और पोषित किया है। ये उनका त्याग ही था जिसके कारण आगे राजा राम जाट और राजा सूरजमल जैसे महान धर्म योद्धा गोकुला जी की कर्म भूमि में जन्मे। गोकुल सिंह जाट एवं उनके प्रबल देश प्रेम को शत शत प्रणाम।